ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक बड़े विकार, तुम दाता दुख बंजना मेरी करो संवार। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देह का ये विनस जावे छन माई, श्वास उश्वास नाम जपो हो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो आवण हो क न हो। वो पृथ्वी पति चक वे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिणे भाई ऐसे गए अनंत। टोटे मैं भक्ति ही करे
सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है, न जाने कितने जालिए ऊट। कबीरा सब जगे निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। परमपिता परमात्मा सर्वसृष्टि सृजनहार, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये सत्संग चल रहा है। उस परमात्मा के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता, और ऐसे शुभ समागम जिसमें प्रत्येक क्रिया शास्त्र अनुसार होती है, ऐसे समागम कबीर परमेश्वर की कृपा बिना नहीं हो सकते। क्योंकि काल भगवान को चिंता रहती है कि कहीं ये प्राणी सच्ची साधना करके और भक्ति के धनी होकर के तेरे कर्ज से छूट ना जावे, कहीं ये तेरे से भाग ना जावे, तेरे जाल से निकल ना जावे। इसलिए ये शास्त्र विरुद्ध साधना अधिक करवाता है, और जिससे इनको कोई लाभ नहीं होता वो साधना करके कोई स्वर्ग चला जाता है, कोई देव बन जाता है, कोई ब्रह्मा बन जाता है, कोई विष्णु बन जाता है, कोई शिव बन जाता है, कोई इंद्र स्वर्ग का राजा बन जाता है, कोई कुबेर बन जाता है, कोई वरुण देव बन जाता है, और अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर ये 84 लाख में पशु पक्षी की जूनी में ये प्राणी चला जाता है। जैसा आज सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि श्री महावीर जैन जी के जीव ने कितने कष्ट उठाए और पुण्य कर्मों के कारण वो देव भी बना, स्वर्ग में भी रहा, और फिर पाप कर्मों के कारण कितना कष्ट उठाया, जैसे 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 20 करोड़ बार बिल्ली बना, 20 करोड़ बार हाथी बना, और भी ना जाने कितनी कष्टदायक योनियों में कष्ट उठाए। और श्री महावीर जैन जी की तपस्या साधना देखे तो हैरान रह जाए इंसान, बहुत ज्यादा कठिन साधनाएं की। और ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने भी बहुत कठिन साधना की, हजारों वर्षों तक तप किया, हठ योग किया, और उसका परिणाम क्या मिला, 84 लाख योनियों से पार नहीं हुआ, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें वही सत साधना करनी होती है जो परमात्मा हमें बताते हैं। इसलिए ऐसे जो समागम हैं, परमात्मा कबीर जी की कृपा के बिना ये समागम नहीं हो सकते। और ये साधना जो सत साधना आपको बताई जाती है, इसके अतिरिक्त जो भी साधना की जाती है वो शास्त्र विरुद्ध होने से, हठ योग होने से उसका प्रतिफल अन्य ही होता है, वो मोक्षदायक नहीं होती। उसके बारे में आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने निर्णय दिया है अपनी अमृत वाणी में, क्योंकि उनको परमात्मा ने वो तत्व ज्ञान समझाया था। सतग्रंथ अमृतवाणी गरीबदास साहेब जी की, इसमें एक अंग है बहदे का अंग, बहदा। बहदा का अर्थ होता है व्यर्थ, यूजलेस।
उसके अंदर बताते हैं सट दर्शन सब सट दर्शन सट बेस कहावे बहुविध धू धू धार मचावे तीर्थ व्रत करें तर बीता वेद पुराण पढ़ते हैं गीता यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग अलग है ये वैदा है। सट दर्शन सट बेस कहावे और बहुविध धू धू धार मचावे इन्हीं सट बेसों में से एक ये जैन धर्म का उत्थान हुआ है। तो ये कहते हैं कि सट दर्शन सट भेष कहावे भेख अलग अलग समुदाय जैसे गिरी पुरी नाथ औघड़ वैष्णो ये इस प्रकार के सट भेख छह प्रकार के सट माने छह प्रकार के भिन्न भिन्न जो संप्रदाय बनी है उनको सट भेष कहते हैं। ये सन्यासी दस नामी ये सारे सट वेशों में आते हैं ये सभी सट वेशों में आते हैं। सट दर्शन सट भेख कहावे बहुविध दू दू धार मचावे तीर्थ व्रत करें तर बीता ये वेद पुराण पढ़ते हैं गीता यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा ये भी वैदा ये भी व्यर्थ है। चार संप्रदा बावन दवारे जिनों नहीं निज नाम दचारे माला गाल हुए हैं मुक्ता सटदल उवा बाई बकदा यो भी वैदा है। क्या बताते हैं बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर ने चोट निशाने बारह बाट बिटंबर बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे न संशय जावे निर्वाणी ने कच्छ निसारा वो भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी भगवे प्योंदी भूले धोंदी चल छिद्र की भक्ति ना कीजे आगे जवाब कहो क्या दीजे धर्म कर्म भैरो को पूजे सत शब्द साहिब नहीं सूजे माला मुक्ती कक्कड़ हुकती बाना गोड़ी भांग बसोड़ी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा ये भी बैदा। जती जलाली पद बिन खाली नाम न रत्ता घोरी गत्ता यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। मंडी बसंता ओडे कंठा बनफल खावे नगर न जावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चीना गुरु गुनहीना यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। गिल्लर गलरी जिंदा मस्तक बिंदा गूगल खेवे जंत्र सेवे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। आकी दौरा बांध बटोरा धूमा धामी किसे स्वामी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। नगन निराशा तन कुतरासा पशु प्राणी स्वान समानी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। इंद्री चीरा घाल जंजीरा घुंगरू बांधे घुंगरू बाजे मूड न लाजे यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। दुमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। आथों करुआ कंदे फरुआ खोल बनावे सिद्ध कहावे जटा जलम दम भूले अधम तन बैरागी छापा दागी वेद पुराण कथा वेद पुराणी कथा कहानी पड़ पड़ भूले अर्थ न खुले यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। भूले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे यो भी वैदा है व्यर्थ है। पाती तोड़े आत्मघाती मूड अनाड़ी जड़ से तारी यो भी वैदा है। ताल मंजीरा बन मन नहीं छीरा बहुविध नाचे नाम न बाचे यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा।
उर्दबाहें भूले उर्दबाही भूले साई दोमर पाना भेद न जाना योगी बैदा है। तपा अकाशी बाह रमासी मौनी पीठी पंच अंगीठी यो भी बैदा है। सरवर माही झरने नाही बुद्धि के बोरा लेगी जोरा यो भी बैदा है। बैदे से वेद अलैदा यो भी बैदा। कंद कपाली अंदर खाली बाहर सीधा ये है गद्धा यो भी बैदा है। बैदे से वेद अलैदा यो भी बैदा। चौरासी की चाल न चलिए अरदावा का है कुंडलिए मीही पीस मनी को मारो मगज कुफर का वो जा डारो। लंगर लोभी अंदर से ऊपर सो भी अंदर कड़ुआ भांडी भरवा यो भी बैदा है। बैदे से वेद अलदा। अब क्या बताते हैं सठ दर्शन सठ भेष कहावे बहुविध धों धों धार मचावे तीर्थ व्रत करें तर बीता वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी वैदा है। ये भी व्यर्थ है ये साधनाएं कि जो सत साधना को छोड़ के अन्य जो साधना करते हैं वो बहुत ही कठिन भी करते हैं और ऐसी करते हैं कि जन साधारण को देखकर दंग रह जाता है। लेकिन शास्त्र के विरुद्ध होने से मोक्ष मार्ग न होने से वो सभी क्रियाएं हानिकारक होती हैं व्यर्थ होती हैं वो लाभदायक नहीं होती। उनके विषय में बता रहे हैं। क्या बताते हैं चार संप्रदा बावन द्वारे जिनो नहीं निज नाम बेचारे। चार संप्रदा और बावन द्वारे ये जो नाना प्रकार के पंथ बने हैं इनके विषय में बता रहे हैं कि इन्होंने निज नाम का विचार नहीं किया सच्चा नाम इन्होंने इनको मिला नहीं और उसके अभाव से इन्होंने साधनाएं भी की लेकिन वो व्यर्थ की। क्या बताते हैं बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैराग तो ले लेते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए युगों युगों से तरफ रही है और उसको जो भी कोई थोड़ी सी परमात्मा की प्रेरणा की कहानी सुना देता है तो पुण्यात्माएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं और वो इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि घर भी त्याग जाते हैं बैराग ले लेते हैं घर छोड़कर चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो भी व्यर्थ है। जब मार्ग मिला नहीं साधना ठीक मिली नहीं उस बैराग लेने से घर त्यागना भी व्यर्थ है। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। बिन सतगुरु यानी पूर्ण संत के बिना निशाने पर चोट नहीं लगती अर्थात यथार्थ ज्ञान सत साधना और सच्ची भक्ति का ज्ञान नहीं होता। तत्वदर्शी संत के बिना निशाने पर चोट नहीं लगती अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। आगे क्या बताते हैं सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे न संशय जावे। ये सन्यासी दस नामी जो सन्यासी कहलाते हैं दस नामी होते हैं और वो क्या नाम है उनके दस वो शिव के पुजारी हैं और उनके दस नियम हैं और उन दस नियमों का रोज जाप करते हैं। वो क्या क्या नियम है ऐसा करो वैसा करो वैसा ना करो इस तरह के उनके नियम हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इन नियमों के गुणगान करने से नहीं सत साधना करने से जीव का मोक्ष होता है। सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे न संशय जावे। वो शिव की साधना तो करते हैं लेकिन उनका संशय समाप्त नहीं है। जैसे किसी भी शिव के पुजारी को आप पूछिए उसको यही नहीं मालूम कि तू साधना जो कर रहा है ये कौन से शिव की कर रहा है क्योंकि काल भी अपने आप को शिव कहता है और काल का पुत्र भी शिव है
और काल के पुत्र शिव के बारे में आपने आज सुबह के सत्संग में श्री शिव पुराण में पढ़ा कि वो जो शिव है काल भगवान सदाशिव, उसके तीन पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव। वो उनको कह रहा है, धमका रहा है, उनको लताड़ रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश, कहते तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम भगवान नहीं हो। मैंने तुम्हें एक एक विभाग दिया है और मेरी ही कृपा से तुम इस पर इस कार्य को करने में सफल हो रही हो। तो अब उन जो शिव के उपासकों को नहीं मालूम तुम कौन से शिव की पूजा करते हो, ये उसी शिव की पूजा करते जो काल का पुत्र है, पार्वती का पति है, और उसके विषय में कहा कि तुम पूर्ण परमात्मा नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मत मान बैठा। तो यहाँ कहते हैं सन्यासी दस नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। इन तो पूछ दो भाई कौन से शिव की भक्ति करे, अचल बचल हो जाएंगे सारे। फिर क्या बताते हैं, छल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। सुन सन्यासी कुल कर्म नासी, ही भंगवे प्योंदी भूले दोंदी। आगे बताते हैं धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रूप बाड़ा, यो भी बैदा है वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। कहते हैं वेद पुराण गीता आदि इनकी ये इनको वेदों को ये पढ़ते हैं लेकिन इनसे अर्थ नहीं खुले, अर्थात ये वेदों के को यथार्थ रूप में नहीं समझ सके, ना पुराणों को ढंग से समझ सके और ना गीता जी को समझ सके, इसलिए इनकी क्रियाएं व्यर्थ हैं, वैदा है, वो मोक्षदायक नहीं है। फिर है वैदे का ग्रंथ, ये सेकंड, इसमें लिखा है बैरागी सन्यासी सेवड़े चूतर छार लगा हुए हैं, पांचों रंड पचीसों लड़के दो दो धार मचा हुए हैं। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े ये कहते हैं शरीर के ऊपर राख रमाए फिरते हैं, बसम रमाते हैं, क्या इस बसम रमाने से परमात्मा मिल जाएगा, नहीं, ये गधा कुर्डियां पर लौटता है सारा दिन, सारे अरूट लौट मारा रेत में, तो उनको भगवान मिल, क्या उनको परमात्मा मिल सकता है। ऐसे ही शरीर को किसी प्रकार के आडंबर करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, सत साधना करनी चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ साधारण जीवन जो मनुष्य का है अपना उस तरह जीते रहिए और भगवान की भक्ति कीजिए। क्या बताना चाहते हैं कि बैरागी बैराग तो ले लिया, घर भी त्याग दिया, अलग से शरीर पर एक पोशाक भी पहन ली, लेकिन कहते पांचों रांड पच्चीसों लड़के दोनों धार मचा हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों नार कही है। कहते एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल बे, ओए होए पाया ना मुक्त पाया ना द्वार मुक्ति का, सुखदेव करीब सैल वे। एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल बे, पाया ना पाया ना द्वार मुक्ति का, सुखदेव करी वो सैलवे। घर त्याग देने से, एक स्त्री को त्याग देने से
आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। जब तक आपके साथ ये पांच नारी और हैं, इनको त्यागो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और 25 प्रकृति है शरीर की, तो उनके विषय में बताया है कि एक बैरागी सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगावे हैं और पांचों रांड 25 लड़के ये धूधूदार मचावे हैं। सुखदेव जैसे कहते हैं, एक स्त्री को त्याग देने से तू बैरागी नहीं बन गया, तेरे अंदर पांच नारी और हैं जो तुझे त्यागनी है। वो कौन सी है? जैसे क्रोध है, अहंकार, मान बढ़ाई। जैसे आपने सुना है प्रसंग के, एक बार कुंभ का मेला भरा और उसमें यही सन्यासी बैरागी ये दशनामी गिरी पुरी नाथ ओगढ़ वैष्णो ये वहां पर भी लेने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए। और वहां स्नान कर प्रथम स्नान करने के ऊपर झगड़ा हो गया। वैष्णो कहते हम पहले स्नान करेंगे और नागा जो महात्मा वो कहते हम पहले स्नान करेंगे। वो स्नान पहले प्रथम स्नान के ऊपर अहंकार के कारण, मान बढ़ाई के कारण झगड़ा कर लिया और 25,000 वो बैरागी 25,000 जो घर त्याग कर गए थे वो आपस में लड़ मरे, कत्लेआम हो गया। उसके विषय में बताते हैं कि बैरागी बैराग सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगा हुए हैं और ये पांचों रांड 25 लड़के धुंधों धार मचा हुए हैं और उन पांच नारी जो उनके साथ थी वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कहते, और ये 25 प्रकृति शरीर की कहते हैं, तब धुंधों धार मचा रही है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारा विनाश करवा रही है, इनको त्यागो जब तुम बैरागी बनोगे। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे वताना री री गावे हैं। कहते है कोई साधना हुई, कंठी माला मृगछाला ले ली साथ में हैं, और ढोलक ताल री झालर पीटे ताना री री गावे हैं। कहते ये कोई भक्ति का साधन नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। यो भी बैधा है बैधे से भेद अलहदा। तो यहां पूछा कि तुमने बैधा क्यों जाना, तुमने कैसे पता लगा ये व्यर्थ साधनाएं हैं? तो गरीबदास जी कहते हमें सतगुरु भेंटे न्यो जाना, हमें वो तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा कबीर जी आकर के मिले, उन्होंने ये निर्णायक ज्ञान दिया तो हमने ये सब बैधा जाना, ये व्यर्थ साधना समझ में आई। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट बना हुए हैं, गुजबी रज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुर बैठे क्यों जाना। करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दुती गृह द्वार जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। हमें तत्वदर्शी संत मिल गए इसलिए हमें ये बातों का ज्ञान हुआ कि ये व्यर्थ है। क्या करवा और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं। करवा एक हाथ में लोटा, पानी का करमंडल, और शरीर पर केवल एक लंगोट बांध लेते हैं और बनखंड में जाकर, जंगल में जाकर के एक गुफा बनाकर उसमें रहते हैं। और परमात्मा कहते फिर भूख लगे, भूख लगती है तो फिर लेकर वो करुआ और फिर गृहस्थी के द्वार के ऊपर आकर भीख मांगते फिरते हैं। तम जिस गृहस्थी आश्रम को गलत मानकर
कि ये मोक्ष यहाँ मोक्ष नहीं होता, इसको छोड़कर गुफा बनाकर बैठ गए और फिर भूख लगी सब, तब फिर गृहस्थी के आगे हाथ फैलाया करके। तो क्या बताते हैं, करुआ और कौपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, या अक्षुजा कुत्ती गट में दूती फिर गृह द्वार जावे हैं। ये भी बैदा है वैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुर बैठे नो जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा ये गगड़ भांग घुटावे हैं। खाकी और निर्बानी नागा ये नंगे रहते हैं, कति नीवस्तर कोपिन भी नहीं बांधते पड़दे पर, कति पशु की तरह घूमते हैं। उनके विषय में बताते हैं कि नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी, जो नंगे रहते हैं उनके विषय में तो कहते हैं कि क्यों शरीर को अपने सता रहे हो, त्रास दे रहे हो, और ये तो पशु पक्षी कुत्तों के जैसा व्यवहार है तुम्हारा जो नगन फिरते हो। परमात्मा ने सोदी दी है, सारी व्यवस्था दी है, वस्त्र बनाने की विधि बताई है, अपने शरीर को ढंग से ढक कर रखो और परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल करो, तब ही छुटकारा हो सकता है। ये बनावटी बातों से लोग दिखावा करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। तो क्या कहते हैं, खाकी और निर्बाणी नागा, नागा जो नगन रहते हैं और सिद्ध जमात चला हुए हैं, रण सिंह तुरही तुतकारा वो गागड़ भांग घुटावे हैं। ले कहते हैं फिर भांग घुटेंगे और पी का भांग और पड़े रहे पशुओं की तरह, वो भक्ति कहाँ करेंगे। सुल्फे पीवे नशा हो जाओ फिर आंख ठहर जा, नो कहीं तो सुरती ला रहा है, इस नशा में पाछा पर सुरती लाग जाओ कितना पड़ारो से डांगर की तरह। तो ये बनावटी बातें थी और हमें पता नहीं था, हम उनको संत मानते थे, महापुरुष मानते थे कि ऐसे ही साधना होती होगी, क्योंकि हम ज्ञान के अंधे थे, हमारे वो ज्ञान वाली आंखें नहीं थी। और वो अंधे थे जो जिनको हम आंखों वाला समझते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि इन्होंने गीता और वेदों को जाना है इसलिए ये साधना कर रहे हैं, यही मोक्षदायक होगी। नहीं, काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहगर लोहागर और पुष्कर पर से द्वार द्वारा दाग दगावे हैं। जो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, जो भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे नू जाने। काशी गया जी प्रयाग महोदित और जगन्नाथ ये धाम है, ये तीर्थ स्थल है, कहते वहां जाते हैं। ये भी बैदा है, यो भी बैदा है बैदा, बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नू जाना। हमारे को तत्वदर्शी संत मिल गया इसलिए हमने इस बैदे का ज्ञान हुआ। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाते चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कवावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जाही उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेटे नू जाना। क्या बताते हैं कि वो जैसे अभी सुनाया था आपको, वैष्णो साधु और नागा ये प्रथम स्नान करने के ऊपर इस जिद में मान बढ़ाई के कारण आपस में झगड़ा करके लड़ाई करके कत्ले आम कर लिया, 25,000 साधु कट के मर गए, कत्ले आम कर दिया, और वो बेचारे घर भी त्याग गए, साधु भी बन गए, बैराग भी ले लिया। उद्देश्य था कि हम भगवान भजें, परमात्मा पावें, लेकिन अंधों से जा मिले, वो ज्ञानहीन गुरुओं के पास पहुंच गए।
उन्होंने उनको वो उल्टी पट्टी पढ़ा दी। उनके इसे बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग सलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जाही उनको भी नरक पठावे हैं। अब तीर तुपक तलवार कटारी नुके जमदड़ जोर बदावे हैं, डटकर लड़ाई करते हैं, और हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, हर की पैड़ी कहते हैं उनको हरिद्वार में, और भगवान से भी ना डरे, परमात्मा की पैड़ी परमात्मा का घाट हर की पैड़ी कहते हैं, और भगवान से भी भय नहीं माना, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, हर की पैड़ी पर भगवान का प्यार भूल गए, और काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कुआवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं, जो उनके दर्शन करने भी चला जाए उनको भी नरक मिलता है। ऐसे दुराचारी और दुष्ट लोगों को जिनको महात्मा कहा करते थे, उनके दर्शन मात्र से भी पाप लगता है, जिनको इतनी भी दया नहीं आई आपस में गर्दन काट डाली, वो साधु नहीं वो कसाई थे, और कसाई कैसे बन गए, शास्त्र विरुद्ध साधना से परमात्मा का प्यार मिला नहीं, परमात्मा की रजा उन पर हो नहीं पाई। संपट चला को साहेब कहते चेतन सार चला हुए हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन बावे हैं। संपट शिला को भगवान कहें, ये चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका, और वो दुनिया का मन भावे इसे पशु हैं, जो जरा सी भी उनको शांति नहीं संतोष नहीं दया नहीं, मर एक मिनट में ना जाने के शराप दे दें, जब थोड़ी बहुत की तो सिद्धि साधना कर ली तो शराप दे करके बर्बाद कर देते हैं, अपना भी नाश करते हैं और सामने वाले को भी नष्ट कर देते हैं। ये दस नाम दया नी जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही ये शिव करता ठहरावे हैं। ये दस नाम दया नी जाने, दस नामी संत जो है साधु, इनके दया नाम की चीज नहीं, और ये गेरू कपड़ रंगावे हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं, और पार ब्रह्म से, पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, ये शिव को भगवान बतावे हैं, ये शिव कर्ता ठहरावे हैं, शिव जी को भगवान बताते हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या, हमने तत्वदर्शी संत मिल गए इसलिए इस व्यर्थ साधना का ज्ञान हुआ। धूम्रपान आकाश मुनि मुख, धूम्रपान आकाश मुनि मुख सुचित आसन नावे हैं, या तपसेती राजा होई धुंध धार बह जावे हैं, सन्यासी उद्यासी बाला रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने सुन में पवन चढ़ावे हैं, जरने बैठ तपे पत अग्नि उर्द मुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे मूर्खा को रीज रिजावे हैं। जरने बैठ और तपे पंच अग्नि उर्द मुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे मूर्खों को रीज रिजावे। ये क्या बताते हैं, परमात्मा के जैसे ये पांच अंगिठ पांच धोने लगा करके चार पांच धोने लगाते हैं चारों तरफ, और जेठ के महीने में जून में
तपस्या करते हैं, लोग दिखावा दुनिया को रिझाते हैं और फिर वो जल धारा करते हैं, या तो झरना में बैठ जाते हैं, कैसे एक बड़े से घड़े में और 100 छिद्र कर देते हैं, 100 छिद्र उसमें सुराख कर देते हैं और उसको एक टिपाई के ऊपर रख देते हैं। पो के महीने में माँ और पो के महीने में अर्थात जनवरी में उसके नीचे बैठ जाता है वो पाखंडी और उसके ऊपर 100 मटके पानी के उस गड्ढे में डाले जाते हैं ठंडे, और वो उसके नीचे बैठा रहता है उस झरने में। तो वो 100 ग्राम तो सुल्फा पी ले, आप नशे में बेराना कहाँ पड़ा है, कित बैठा है, फीम खा ले हैं। और नादान लोग ने सोचे वह कमाल की बात है, इसी जनवरी में हम तक देख स्वेटर भी ओढ़ रहे, रजाई भी ओढ़ रहे, कमरा भी बंद कर रखा, फिर भी सर्दी लग रही है, और ये महापुरुष से पड़ा है देखो इसी इतनी सर्दी के अंदर और जल उनमें है ठंडे ठंडे जल में और 100 मटकों का झरना अपने ऊपर लगवा रहा प्रतिदिन। पुण्यात्माओं एक बार उस समय यह दास भक्ति मार्ग पर लग चुका था, उपदेश देता था, और हमारे गांव के अंदर एक ऐसे ही पाखंडी ने यू सांग रचा। उसने 5 ऐसे ही धोने लगा करके अग्नि के और 30 दिन तक उसने साधना की, 40 दिन तक वो क्या। तो उसकी हमने एक फिल्म बनवाई, हमारा एक भक्त भेजा उसके साथ, एक कैमरे वाला ले गए हम जींद थे, हमारे पास पहले जींद ही आश्रम था छोटा सा, तो वहां से उसको भेजा, कैमरे वाला भेज दिया, फिल्म बनवाई और वो फिल्म देखी। जब इस दास ने वो क्या करता है, वो पाखंडी 5 धोने लगा दिए जाते हैं, जैसे पहले दिन 5-5 उपले जलाए, अगले दिन 1 बढ़ा दिया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो क्या करता है, मैंने उस फिल्म को ध्यान से देखा, उसने उसके सिर पर बहुत बड़े बाल थे, जटा थी बहुत लंबी, वो क्या करता था कि सभी 5 के 5 धुनों को 5 जगह अग्नि जलवाकर और वो उपले जो होते हैं गोसे उनकी अग्नि बनवाता है, और गोसों की आग उपलों की आग क्या होती है, एक बार सुलगने के बाद उस पर राख जमनी शुरू हो जाती है और वो अंदर की आंच को बाहर नहीं आने देती। तो वो क्या करता था, जब पूरे धुने सुलग लेते बिल्कुल उनमें धुआं नहीं रहता, तब वो जाकर उनके बीच में बैठ जाता। उससे पहले क्या किया उसने कि एक बाल्टी में पानी और राख गोड़ के खूब जैसे लिक्विड सा बना लिया और उसमें अपने बालों को पूरे नू के नू बाल उसमें बाल्टी में डालकर और खूब अच्छी तरह हुआ राख और गीला पानी वो भीगी हुई गारा थी पूरे उजटा में भिगो के और ऊपर लपेट कर बांध ली और पूरे शरीर पर उसने राख रमार और मसल रखी, ऐसे लीप रखा जैसे लीपते हैं गारा से। वो फिर बैठा उन दोनों के बीच में, 5 अंगीठी चारों तरफ 5 धुने लाकर बैठ गया। उसने वो क्या करता है, फिर आधा घंटा तक तो उसके ऊपर शरीर पर लगी हुई गिल्ली व राख गारा वो नियांत लगने दे। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसने फिर अपनी वो जटा खोल ली, वो पूछड़ सा बालों का, फिर उनको जैसे पेट पर आंच ज्यादा लग रही है तो ऐसे करके पेट के ऊपर के घुमा दी, क्यों वो गिल्ली थी बिल्कुल गारा थी, और वो थोड़ी सी देर ऐसे पेट के ऊपर के कभी इस साइड में घुमा रहा है ऐसे, कभी पीछे को घुमा रहा है, कभी इधर को घुमा रहा है, और फिर बांध लेता है। तो आध घंटा उसकी फेर चैन हो जाती है, शांति सी मिल जाती है, क्योंकि वो गिल्ली गारा हो जाती है, वो राख गिल्ली बन जाती है, वो आंच नहीं लगने देती, और फिर उपलों की आंच
एक आध पौन घंटे के बाद उस पर राख जम जाती है और वो धोने की आंच जो है बाहर नहीं आती, राख दबा लेती है। ये पाखंड देखा उसका। और दुनिया नु देखन जाओ हो बाबा तो प्रया भाई कमाल की बात है, ऐसे जून के महीने में और धूप के अंदर और भोले श्रद्धालु व्यक्ति बहन बेटियां उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। अब गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, 5 लाख रुपए उसके ऊपर वो पैसा जो है ना दान का आया। तो उसने कहा था कि मैं गांव में एक कन्या स्कूल बनाऊंगा, इस करके गांव वालों ने अपने रिश्तेदारों से भी जा जाकर चंदा लाकर उसको दिया। ये सन 1996-97 की बात है। वो फिल्म हमने देखी तो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की वाणी याद आई, ओए होए हे भगवान, ऐसे पाखंडियों को तो लोग पसंद करते हैं, कहते वो दुनिया के मन भावे हैं। फिर उसमें क्या खर्चा बताया कि 80,000 का तो सुल्फा पी गए वो बाबा जी और उसके मित्र, और जो क्योंकि गांव में जो दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा ऐसे व्यक्तियों का सहयोग देते हैं, तो सारे ने मिलाकर 80,000 के तो सुल्फे सुल्फे की उनकी जो है ना खर्चा था, ऐसा बता रही थी। और फिर उस बाबा जी ने क्या किया, एक सुम्मो गाड़ी निकलवा ली, जब ऐसी आया करती है 2.5-3 लाख की है, और 50,000 रुपये दे दिए गांव वाले, तगले सबको एक कमरा बनवा लियो। अब वो क्या बता रहे हैं कि सर्दियों में उसने वो जलधारा भी वहीं करनी थी, जब गांव वाले ने बोले तेरी टांग तोड़ांगे जा यहाँ आ गया था, तो कहां तक कह था कन्या का स्कूल बनवाएंगे और 50,000 रुपये दे दिया, गाड़ी सुमो उस चंदे से निकलवा ली, ऊंट शरीर पर कपड़ा नहीं और सुमो गाड़ी एसी में घूमन ला गया। तो इस प्रकार ये बातें न्यू बिगड़ी। परमात्मा कहते हैं ये भी वैदा है, वैदे से भेद लैदा, यो भी वैदा। जरने बैठ तपे पत अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, जरने बैठे और पंच अग्नि तपे, ये 5 धोने लाक है। जरने बैठे तपे पंच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे मूर्खों को रीद रिझावे हैं। है। कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो जिनको तत्व ज्ञान हो गया हुआ है इनसे दुष्टों के निकट नहीं जावे, ये तो मूर्खा न रीज रे जावे हैं, अज्ञानी अनजान लोगों को कहते हैं वो मूर्ख बनाकर उनसे चंदा लेकर मौज मचावे हैं। हमारा एक भक्त है, एक बेबे, उसके 3 पुत्र हैं और उनमें से बीच वाला कति निकम्मा गर्ते भी भाग गया, घर से घरवालों की भी नहीं मानता, कति लफंडर, उसने पंजाब में जाकर यूए पाखंड कर लिया। जेठ के महीने में मेन रोड के सहारा है और 5 धोने लाकर बैठ गया नो बाबा जी बनकर, चमटा लिया गार्ड। तो ये श्रद्धालु लोग सारे ही हैं परमात्मा के चाहने वाले, और पंजाब तो जमा कति ये बोला है इस मामले में, वहां के लोग तो संत को देखकर कुर्बान हो जाते हैं, उनको संत मिला नहीं है, ये डड़े डुआन वाले मिले इनको बर्बाद कर डाला। तो वो वहां बैठ गया, तो वहां श्रद्धालु लोग आते हैं, ट्रकों वाले ट्रक रोक रोक के हैं उसको, एक मेरे ख्याल आधा किला तो जमीन दे दी और फोटो तरवा रखे पाखंडी ने, पैसा का नो ढेर लाग रहा उसका आगे। तो फिर वो उसकी माँ को बहुत ज्ञान है, उसके 2 भाई हैं उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान, हमारे शिष्य हैं वो। तो जब उसने आकर वो दिखाया पाखंड के चित्र, उसकी मां ने उसका कड़मा थपड़ाक मारा, रे निकम्मे तो क्यों नरक का भागी हो रहा है पाखंडी, इसी से पाप ने किधर रहेगा, कहाँ रखेगा तू, तो दुनिया के इस कोड ने लेकर आ गया, पैसे लिए फिर भाग जाए यहां से,
तो पुण्यात्माओं, ऐसे पाखंडी लोगों ने ये बर्बाद कर दिए, श्रद्धालु लोग। तो उसके बारे में बताते हैं, जरने बैठ तप तप पंच अग्नि उर्द्वमुख झूल झुला हुए हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ जावे हैं। आसन करें कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा सेती मरम नाही सब दम खाली जावे हैं। आसन करें, ये लोग दिखावा करते हैं, आसन बड़े बड़े कठिन आसन हैं उनको करके दिखाते हैं, दोनों हाथों को पंजों को रखकर पूरे शरीर को रख लेते हैं, कोई कोई घंटों तक रहते हैं, कोई ऊपर ने पैर कर ले, सिर पैर कर लेता है। कहते हैं ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है। ये तो आसन करें कपाड़ी ताड़ी ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा सेती मरहम नाही सबदम खाली जावे हैं। कितनी प्यारी बात कही है। अजप्पा, ये जो श्वास का सिमरन आपको मिलता है, सतनाम जो दो अक्षर का है, ये अजप्पा जाप कहा जाता है, जो जप्या नहीं जाता, मुख से नहीं बोला जाता, श्वास के द्वारा ये अजप्पा जाप। कहते हैं कि वो ऐसी व्यर्थ साधनाएं करते हैं और अजप्पा सेती मरहम नाही, ये श्वास, उस श्वास का स्मरण का ज्ञान नहीं, उनके मरहम को नहीं जानते, सब दम खाली जावे हैं, श्वास सारे व्यर्थ जा रहे हैं स्मरण के बिना। अजप्पा सेती मरहम नाही सब दम खाली जावे हैं, दम माने श्वास, सभी श्वास खाली जा रहे हैं उनके, अर्थात वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं ऐसी कठिन साधना करके। चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े भेख काल का बाणा ये संतों देखे रिसावे हैं। चार संप्रदाय और बावन द्वारे बैरागी अब आवे हैं और कूड़े भेख, कूड़े माने झूठे व्यर्थ, ये बनावटी है, भेख बना रखे इन्होंने, साधना ठीक नहीं है। कूड़े भेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा, ये काल साधना में लगे हुए हैं सारे के सारे, और कोई संत जो सच्ची बात बताता है उसके साथ ये झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। संतों को देख कर रिसाते हैं अर्थात वो नाराज हो जाते हैं, संत जो सच्ची बात कहे कि ये साधना मत करो बच्चों, ये तुम्हारी साधना ठीक नहीं है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, कही जाती है उनके हित की, लेकिन वो मानते हैं अहित और उनके शत्रु बन जाते हैं। उसके बारे में कह रहे हैं, चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी अब आवे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या, कोथड़ियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं, मन मन के का फेर न जाण्या सब साहेब दर नहीं जावे हैं। कोथड़ियों में हाथ दसोरे, बड़ी बड़ी कोथड़ी बनवा लेते हैं, उनमें हाथ डाल करके माला भीतर भीतर फेरते हैं, लेकिन वो माला फेर किस नाम की रही हो, वो नाम क्या है जिससे तुम मनिया फेर रहे हो, माला फेर रहे हो, जो तुम्हें लाभदायक नहीं है। कोथड़ियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं, मन मन के का फेर न जाना साहेब दर नहीं जावे हैं। इस मन रूपी मन के का मणिये का मरम नहीं जाना, क्योंकि मन ने सभी प्राणियों को शास्त्र विर साधना पर लगा रखा है, और इस मन रूपी मन के का भेद नहीं जाना, वो कोथड़ियों में हाथ देकर माला फेरना भी व्यर्थ है यदि नाम ठीक नहीं है। अब हमने आम के स्थान पर बबुल का बीज बीज लिया तो वो भी व्यर्थ है। त्रिकाली स्नान करें फिर द्वास तिलक बना हुए हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होई जो निस्दिन पर भी नावे हैं।
अब क्या बताते हैं, तिरकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, तीन समय नहावे स्नान करते हैं और बारह तिलक लावे माथे पे। कहते हैं ये बनावटी बातों से, इस प्रकार की क्रियाओं से मोक्ष नहीं हो सकता। अगर ऐसे तीन समय नहाने मात्र से मुक्ति हो तो जल के मच्छा मुक्ति ना होई जो निस्तिन पर भी नावे हैं। जल के अंदर रहने वाले मगरमच्छ, मेंढक, मछली, ये तो पानी में ही रहते हैं। अगर तीन बार स्नान करने मात्र से मोक्ष हो तो उनकी मुक्ति पहले होनी चाहिए आपसे भी। तिरकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होई जो निस्दन पर भी नावे हैं। वो तो सारा दिन पानी में रहते हैं और तुम तो इंतजार करते हो पर बिकट लगेगी, उस समय जावांगे फिर हमारी मोक्ष हो जाएगा। तुम्हारे से पहले तो वो जल के जीव जंतु उस जल में ही रहते, उस तालाब में ही थे, उस तीर्थ पर थे जहां पर तुम्हारी पर भी लगेगी लगनी थी। वो तो पहले उसके अंदर थे, तुम्हारे से पहले दान कर रहे हैं उसकी के अंदर। तो ये साधनाएं शास्त्र विरुद्ध है, मोक्ष मार्ग मोक्षदायक नहीं है। शहालोक शहनीप सहयुज और शहरूप कहलावे हैं, चार मुक्ति से मर्म नाई आगे की क्या पावे हैं। ये चार मुक्ति बनाई बतावे हैं कि तुम जो चार मुक्ति यहाँ की मानते हो, जो साधना तुम कर रहे हो, इनसे तो ये चार मुक्ति बिना हो तुम्हारी। वो भी साधना बताई है गीता जी में, ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरण, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। उस चौथी मुक्ति, इन चार मुक्तियों को पाने का भी तरीका विधि कोई और है, जो साधना तुम कर रहे हो ये वो चार मुक्ति की भी नहीं है। गीता जी में बताया है कि मेरे वाली परम गति को पाने के लिए केवल एक ओम का जाप है, उसको अंतिम श्वास तक जो करते हुए शरीर त्याग कर जाता है तो वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और जो साधनाएं तुम इस कर रहे हो, जो ये गिनवाई जा रही है, ये तो तुम्हारी वो चार मुक्ति की भी कोने। शहालोक शहनीप शहायुज शहारूप कहलावे हैं, चार मुक्ति का मरम नाही आगे की क्या पावे हैं। ये तो चार मुक्ति भी नहीं होती तुम्हारी आगे की, यानी सतलोक जाने की तो तुम प्राप्त, सौ सौ कोस बातें हैं तुमसे दूर हैं, तुम नहीं प्राप्त कर सकती। आगे की तो बात तो छोड़ो, ये चार मुक्ति भी नहीं हो सकती तुम्हारी इस तरीके से। एती सौंज बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है, कनफू का गुरु कलवा भैरो सो हमको नहीं भावे है। अब ये क्या बताते हैं संत जी कि ऐसी इन जो मैं बता रहा हूं इनको निर्णय करके बता दे, वो सच्चा मुर्शिद, वो सच्चा सतगुरु है। एती सौंज बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है, कणफू का कलुआ गुरु कलुआ भैरो हम सो हमको नहीं भावे है। एती सौंज बखाने मुर्शिद, ऐसी व्यवस्था बताए कि ये गलत है, ये भी वैदा है, ये भी गलत है और सत्य ये है, सो सतगुरु कहलावे है और कनफू का गुरु कलुआ भैरो, जो कान कन पाड़ा जो कान फूके फिर है, कहते इसे गुरु हमारे मन में नहीं आते, वो हमें पसंद नहीं है। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे, एरन पीठ है थोड़ो घड़िया जा ऊपर गन सारा जड़िया, पत्थर पीतल से करने हा भूल गए नारायण देहा, आत्म तत्का मरम न जाना पूजत फिर ये जड़ पासाना, काले मुख का पत्थर गोली या मूर्ति तुमसे ना बोली, खान पान को पाटी तोड़े मोहन भोग अप लोडे, तीर्थ व्रतों फेरे खुलासा जो पानी गल जात पतासा, वो तालब सपने नहीं आया अष्ट कमल खोजी नहीं काया। क्या बता रहे हैं
परमात्मा की महिमा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को संत गरीबदास साहब जी बता रहे हैं। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे और कैसे आई हृदय तेरे, एरन एरन पीठ अथोड़ों घड़िया और जा ऊपर गणसारा झड़िया, पीतल पत्थर पीतल से कर नेहा, भूल गए नारायण देहा, आत्म तत् का मरम न जाना, ये पूजत ठहरे जड़ पाषाणा। के जो जो पीतल की मूर्ति या जो भी आपने मूर्ति बनवाई है उसको बनाने में कारीगर ने कैसे कैसे उसके थोड़े मारे, उप थरे भगवान को पीटा, पहले तो उसको एरन में दिया, गर्म किया, फिर उसके थोड़े मार मार के उसके सारे वो अंग ठीक करे, कहते फिर तुम्हारा यू भगवान कैसे समझवाया कि यू परमात्मा है जो इसी दुर्गति करके उसको तैयार किया गया। पत्थर पीतल से करने हा, भूल गए नारायण देहा, ये पत्थर और पीतल में भगवान मान रहे, ये परमात्मा ने इतनी सुंदर शरीर दिया है, इसकी साधना करो। कैसे? तीर्थ बर्तों फेरे खुलासा, जो पानी गल जात पतासा, ओता लब सुपने नहीं आया, अष्ट कमल खोजी नहीं काया, सात धातु का पिंजर पिंडा, जाम सकल दीप नो खंडा, हर दम दम जगाया, नाही ताते लख चौरासी जाही। इसे सात धातु का ये पिंजर पिंडा, इसमें सात धातुओं से ये हमारा शरीर बना हुआ है, और इसमें सकल दीप नौखंडा, हरदम दम जगाया नाही और ताते लख चौरासी जाही। इस मानव शरीर को पा करके यथार्थ साधना प्राप्त करके श्वास का सिमरण पूर्ण संत से प्राप्त करके दम जगाया नाही, हरदम दम जगाया नाही ताते चौरासी जाही। पूर्ण संत से सतनाम लेकर के और श्वास उस श्वास का सिमरण किया नहीं, दम नहीं जगाया, यानी श्वास से भजन नहीं किया, इसलिए तू लख चौरासी के अंदर चला जाता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बेटे नो जाना, कार्तिक मास महात्म नावे, गया पिरा गोपिंड भरावे, रसना राम रचा ना कोई, अगली पछली सब ही खोई। क्या बता रहे हैं कि कार्तिक माह, कार्तिक में कार्तिक नायक ने कार्तिक, ये कार्तिक के अंदर विशेषकर हमारे हरियाणा में रोहतक जिले में ज्यादा रिवाज थी, कार्तिक के महीने में ये बहन बेटियां जोड़ों में नहाने जाया करती तालाबों में सुबह सुबह उठ के, और उससे उस तालाब में स्नान करने मात्र से पुण्य मानते हैं। फिर कार्तिक की पूर्णमासी को गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कार्तिक मास महात्म नावे, गया पिरागो पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई, अगली पछली सारी खोई। अहे पिछले कोई पुण्य थे उसे मानव शरीर मिला, भविष्य की साधना बनी नहीं क्योंकि शास्त्र गुरु साधना की, अगली पिछली सारी खोई, भविष्य की साधना बनी नहीं और पूरा जन्म की कमाई से मनुष्य जन्म मिला था ये बर्बाद कर दिया। पांडे पाठ पढ़े बहु भाती, ये है जम किंकर के नाती, सूतक पातक दी मन जाही, सात जन्म सुख करके पाही। ओह पांडे पाठ पढ़े बहु भाती और ये है जम किंकर के नाती, कहते हैं ये यमदूता के मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ये काल के खास दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ये गलत साधना करते हैं और करवाते हैं और काल के मुंह में हमें डाल रहे हैं। सूतक पातक जी मन जाही, सात जन्म सुख करके पाही। सूतक
सूतक होता है जब बच्चे उत्पन्न होता है लड़का या लड़की, और पातक जब कोई मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ये दोनों में सूतक में भी खावे और मृत्यु हो जाए तो भी जीवन जावे। तो जिस क्रिया से ये सात जन्म सुअर के पाओगे कंटिन्यूसली, गलत साधना करने और करवाने वाले सात जन्म शुक्र के पाही। बता अब ये परमात्मा थे, परमात्मा को पता था ये साधना गलत कर रहे हैं और उनको समझाते हैं कि तुम जो गलती कर रहे हो पांडे लोगों, पंडित पंडित वो हो कर, वो पंडिताई जो करते थे वो पंडित कहलाते हैं, जन साधारण पंडित नहीं होता, वो पांडे नहीं होता। जो ये पाठ कूट पढ़ कर दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं उनके विषय में कहा गया है। अब कहा तो उनके भले की है कि तुम अब लालच में, जरा से लालच में ऐसी गलती कर रहे हो, अगले जन्म में कंटिन्यू सात जन्म सुअर के होंगे। फिर क्या बताते हैं, पैर जनेऊ फूले फाले बामण होकर बहुगर घाले, उजड़ खेड़े जोटा मारा तात ब्राह्मण का मुंह काला। कुछ एक ऐसे नालायक भी होते हैं, किसी को बता देंगे कि उनके पशुओं के चारे में आग लगा दो तुम्हारे लड़का हो जाएगा, किसी को बताएंगे कि ऐसे एक बकरा काट दो और वहां बलि चढ़वा दो इससे तुम्हारे कोई लाभ हो जाएगा, और कई कई ऐसा बताते हैं कि गांव साजले झोटे को मरवा दे तो तुम्हारे घर में ये फायदा हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो, पैर जनेऊ फूले फाले बामण हो कह बहुगर घाले, उजड़ खेड़े झोटा मारा तात ब्राह्मण का मुंह काला। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना।